आपके शहर के बाहर वाली पहाड़ी बहुत सुंदर हो गई है। हाँ, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वो पहाड़ पूरा लाल और गुलाबी रंग के फूलों से भर जाता है। अरे वाह, तो फिर संडे को हम सब वहाँ पर चले। हाँ ठीक है। और दिन जाने के बजाय क्यों ना हम आज शाम को ही जाएं? अभी जाएंगे, लेकिन वो पहाड़ी तो बहुत दूर है। लेकिन हम अभी गए तो रात भी तो हो जाएगी। अरे फिक्र मत करो, मैं ले जा सकता हूँ। हाँ? डोरेमोन! वो घर पर नहीं है। हुँ? उसकी स्पेयर पॉकेट देखता हूँ। अरे वो यहाँ पर नहीं है, क्या हो सकता है? ये तो डस्टबिन लग रहा है, ये क्या हो सकता है? चलो देखता हूँ। ये तो हेलीकॉप्टर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या है? मैं घर आ गया। अरे तुम फोर्थ डायमेंशनल डस्टबिन के साथ क्या कर रहे हो? क्या कहा, डस्टबिन? हाँ डस्टबिन, इसमें मैंने वो गैजेट डाले हुए हैं जो काम के नहीं है। आमतौर पर मेरे गैजेट एक बार के इस्तेमाल के लिए होते हैं और ज्यादातर मैं उसका इस्तेमाल करके फेंक देता हूँ। तो ये बात है। अरे हाँ, मॉम ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला था, मैं चाहता हूँ तुमसे बाद में मिलूंगा। डोरेमोन रुको, मुझे अपना स्पेयर पॉकेट देना तो जरा। नहीं! पर क्यों? क्योंकि जब तुम बिना पूछे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो तो कोई गड़बड़ जरूर होती है जिसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाते हो, समझ गए? ऐसा तो नहीं है। मुझे बहुत परेशानी होती है। मैंने स्पेयर पॉकेट ऐसी जगह छुपाई है जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, समझ गए? बाय। अब क्या करूं? मैंने शिजुका से कह तो दिया है, लेकिन अब कोई तो ऐसा गैजेट होगा जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये ठीक लग रहा है शिजुका। चलो अब वहाँ चलते हैं, अगर हम वहाँ हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँच जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। माफ करना, लेकिन अभी मुझे घर की देखभाल करनी है। लेकिन अभी क्यों? ये एक थंडर है। मुझे भूतों से डर लगता है। ये मेरे लिए स्पाइडर है, ये देख के मैं कांप उठता हूँ। ये मेरे लिए नॉस्ट्रोडामस की भविष्यवाणियाँ है, मैंने सुना है कि दुनिया। ओ, अरे हाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला डुप्लीकेट हैमर। ये क्या चीज है नोबिता? अगर हम इसे अपने सर पे मारेंगे तो इससे लग सकती है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे शिजुका कुछ नहीं होगा, मैं धीरे से मारूंगा। मेरे पीछे मत आओ। अरे रुक जाओ, नो फिक्र मत करो। अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। ये गैजेट तुम्हारा डुप्लीकेट बनाता है। इसका रंग इतना फीका क्यों है? क्योंकि ये पुराना हो गया है। कोई बात नहीं शिजुका, पर ये तुम्हारे घर की देखभाल कर लेगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर रही है। चलो चलते हैं। देखी सुखी का क्या? अरे छोड़ो ना उसे। कितना अच्छा मौसम है ना। मैं ठीक हूँ लेकिन इस पर काबू नहीं कर पा रहा। नोबिता, अगर तुम घबराओगे नहीं और आराम से रहोगे तो अच्छी तरह से उड़ पाओगे। देखो इस तरह से। आराम से शिजुका, लगता है हेलीकॉप्टर ठीक हो रहा है। वैसे मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अरे हाँ, वो देखो मुझे वो पहाड़ी दिखाई दे रही है। टाइम लगा लेकिन हम पहुंच ही गए हैं। हम सीधे वहाँ ऊपर पहाड़ पर उतरेंगे। हाँ चलो। ये बहुत अच्छी जगह है। हवा भी बहुत अच्छी है। वाह, बहुत सुंदर, कितने अच्छे रंग के फूल हैं यहाँ। हाँ ये बहुत सुंदर है। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो नज़ारा देखते हुए खाना खाते हैं। लेकिन मैं खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई। ये तो मुझ पर छोड़ दो शिजुका, मैंने तैयारी कर ली है। तुम इसे देखकर जो भी ऑर्डर करोगी वो इस कवर से बाहर आ जाएगा। शिजुका तुम्हें जो भी खाना है तुम मंगा सकती हो, और हाँ तुम मीठा भी मंगा सकती हो। सैंडविच? अरे और भी कुछ मंगाओ ना। मुझे चाहिए नूडल्स, मोमोज, बर्गर, जेली और स्ट्रॉबेरी केक। अरे वाह, सारा खाना आ गया है, चलो खाते हैं। स्ट्रॉबेरी? ये नूडल्स के अंदर
स्ट्रॉबेरी कहाँ से आई? अरे ये क्या, ये सैंडविच के अंदर मोमोज? ये एक थंडर है। मुझे भूतों से डर लगता है। ये मेरे लिए स्पाइडर है, ये देख के मैं कांप उठता हूँ। ये मेरे लिए नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियाँ हैं। मैंने सुना है कि दुनिया ये जेली का स्वाद तो कैरी जैसा है। ये सारा का सारा खाना एक दूसरे से मिल गया है। मैं खाने के बारे में सोचकर कितना खुश हो गया। मुझे माफ करना शिज़ुका। कोई बात नहीं, मैंने ये नज़ारा देखा इतना ही मेरे लिए काफी है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो रात होने से पहले घर वापस चलें। ठीक है शिज़ुका, चलते हैं। के बहुत ही अंदर आ चुके हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। देखो मुझे क्या मिला, एनिमेटर। मुझे ये बहुत पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। शिज़ुका के घर चलो। अरे फिर से कहता हूँ, शिज़ुका के घर चलो। ये खुल नहीं रहा, ये किसी काम का नहीं है। अब हम घर वापस नहीं जा पाएंगे क्या? डरो मत शिज़ुका, चलो हम चलते हैं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पीछे चलती रहो, ठीक है? हाँ, अब क्या होगा? तुम ठीक तो हो ना नोबिता? हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या हम सच में अपने घर वापस जा सकते हैं? बहुत ठंड लग रही है। रुको मैं कुछ करता हूँ। इस पे गरम कोट का फोटो डाल दो तो ये तुरंत बदल देगा। रुक जाओ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुझे ट्राई करने दो। हाँ ठीक है। अब थोड़ा ठीक है। क्या तुम सच में इसे पहनना चाहते हो? इससे टाइम जल्दी बीतेगा। ये तो शायद खराब हो चुका है। डायरेक्शन कंपास। मुझे नहीं पता ये कौन सा गैजेट है, लेकिन मुझे लगता है हमें इसके माइक से कुछ बोलना पड़ता है। रुको, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। शिज़ुका के घर ले चलो। इसने सही इशारा किया है, उस तरफ चलो। ये एक थंडर है। मुझे भूतों से डर लगता है। ये मेरे लिए स्पाइडर है, ये देख के मैं कांप उठता हूँ। ये मेरे लिए नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियाँ हैं। मैंने सुना है कि दुनिया का चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। ये गैजेट किस लिए है नोबिता? इस चिमनी को लगाकर तुम बहुत तेज भाग सकते हो, बिल्कुल स्टीम इंजन की तरह। चलो इस चिमनी की मदद से जल्दी घर जाते हैं। रुको, इससे फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। अरे फिक्र मत करो शिज़ुका। वैसे भी तुम अब तक सब कुछ गड़बड़ ही तो कर रहे हो। अरे वाह, धुआं आ रहा है, ये जल्दी शुरू हो जाएगा। सिर्फ धुआं निकल रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहो शिज़ुका। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम घर नहीं जा पाएंगे। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। डोरेमोन, तुमने हमें बचा लिया। मैं सोच ही रही थी कि अब हम क्या करेंगे। वो नोबिता ठीक तो है ना? उसने फिर से बिना पूछे मेरे गैजेट लिए हैं, तो ये सब तो होना ही था ना। शिज़ुका तुम कहो, इसे कुछ देर और इसी तरह रहने देते हैं। पूरे पहाड़ पर धुआं हो गया है। ये क्या, पूरी जमीन हिल रही है। ये कैसा गैजेट है डोरेमोन? ये एक तरह का छोटा गार्डन है जिसे माउंटेन सर्वाइवल कहते हैं। इसमें बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं और ये डरावने एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही मशहूर गैजेट है। शिज़ुका तुम कहो,
लगता है। ये मेरे लिए स्पाइडर है, ये देख के मैं कांप उठता हूँ। ये मेरे लिए नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी है।